हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल अमित सर पे। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं एक्सेल की सेकंड वीडियो, वर्कर सैलरी शीट। हम लोग वर्कर्स को कैसे सैलरी देते हैं, कैसे उनकी अटेंडेंस लगाते हैं, वो चीज़ आज हम लोग सीखते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है और आसान फार्मूले हैं, उसी के ज़रिए हम लोग सीखेंगे वर्कर्स को कैसे सैलरी दिया जाता है। तो समय ना गंवाइएगा, आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, हमारी जो पहली वीडियो है। और हम बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक्सेल को ओपन किया है। एक्सेल मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा है। तो मैंने जैसे पहली वीडियो में बताया था कि आप जो है कोई चीज़, अगर किसी चीज़ का फॉर्मेट बना रहे हैं तो आपको कॉलम जो है आपको पता होना चाहिए, कितना कॉलम कहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारी जो सीट है वर्कर सैलरी शीट 15 कॉलम की है। कितने कॉलम की है? 15 कॉलम की है। उसको हम लोग इसमें कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज़ देखिए। सबसे पहले हमने बताया था जो जितने में हमारा डेटा होना चाहिए वो चीज़ पहले सेलेक्ट कर लेना। तो सेलेक्ट करके हम लोग इसमें जो है ऐसे मर्ज कर लेने। मर्ज कहाँ से करेंगे? मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे क्या, मान लीजिए हमारा क्या है, वर्कर्स सैलरी सीट। वर्कर्स सैलरी सीट है, इसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मिडिल में कर लिया। फॉन्ट की साइज यहाँ से हम लोग बड़ा कर लेंगे आराम से। ठीक है ना, चाहे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तब बड़ा हो जाएगा, और चाहे आप यहाँ से बड़ा कर लीजिएगा। ठीक ना, तो मैं यहीं से बड़ा कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मैं गया और यहाँ पर हिसाब से ले लिया। अब उसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया, मुझे ऑल बॉर्डर यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर कर लेना है। मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लिया। यहाँ मैं इसको कलर वगैरह कर सकता हूँ मल्टी कलर में। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मुझे लिखना है SR, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो फार्मूला आप ज़रूर लगा लीजिएगा जो मैंने बताया था। तो सीट वन पर राइट बटन क्लिक कीजिएगा, व्यू कोड पर जाना है आपको। व्यू कोड पर जाने के बाद ये जो लिखा है जर्नल, इसको क्लिक करके वर्कशीट कर लेना है। और यहाँ पर टाइप करना है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। ठीक है, इतना बच्चों टाइप करने के बाद इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा तो ये सब डेटा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे लिखना है SR नंबर, मैंने लिखा, अब डेटा ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है वर्कर, क्या लिखना है, वर्कर नेम, मतलब जो आपके यहाँ एम्प्लॉई हैं उनका नेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संडे मंडे, मतलब मैं इसमें अटेंडेंस भी लगाऊंगा। ध्यान दीजिए इसमें तो एक ये आसान होता है, जैसे संडे और मंडे लिख लिया, उसके बाद इसको हम लोग सेलेक्ट करके खींचेंगे तो आगे अपने आप लिख देगा सैटरडे तक। ठीक ना, मुझे एक हफ्ता वाला डेटा बनाना है, हफ्ता डेटा बनाना है, एक हफ्ते बाद सैलरी देना है, तो वो मैं डेटा बता रहा हूँ। बाकी आप अगर मंथली बनाना चाहते हैं तो सैटरडे के बाद फिर संडे आएगा, मंडे आएगा, ऐसे आप बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा आगे है टोटल वर्किंग डे, यानी कितना दिन वो हमारे यहाँ काम किए हैं वो निकालूंगा। भाई वो तो ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रेजेंट डे। निकालने के बाद ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट डे लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे क्या, अब्सेंट डे लिखने के बाद हम लोग अगला है लीव। ठीक है ना, लीव का मतलब ये होता है कि जैसे वो छुट्टी लेते हैं। ठीक ना, लीव डे हो गया। उसके बाद अगला है पर डे सैलरी। हम लोग पर डे सैलरी कितने देते हैं, ठीक ना, वो चीज़ यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल सैलरी होगा। इतना आपको सीट आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने डेटा बना लिया, अब मैं इस पर क्लिक करके इसको, मैं डेटा जहाँ तक है वहीं तक क्लिक करके मैं इसको एक अलग मल्टी कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डेटा हो गया। अब यहाँ पे लिखा है SR नंबर। जैसे मैं मान लीजिए एक एम्प्लॉय है अमन कुमार, ये संडे को तो भाई हर जगह छुट्टी रहेगी, तो आप भी छुट्टी दीजिए, बाकी मंडे से काम करवाइए। इन्होंने मंडे को प्रेजेंट लगाया, फिर ये क्या किया, ट्यूसडे को भी प्रेजेंट हुए, वेडनेसडे को भी प्रेजेंट हुए, थर्सडे को ये एब्सेंट हो गए, और फ्राइडे को भी प्रेजेंट हुए, और सैटरडे को भी ये प्रेजेंट हुए। ठीक है ना, टोटल वर्किंग डे।
अब मैं यहाँ पे एक फार्मूले का प्रयोग करूँगा, टोटल वर्किंग डे, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मैं निकालता हूँ, मान लीजिए कितना दिन काम किए, कितना दिन हमारे यहाँ मैंने कितना दिन वर्क करवाया, भाई 6 दिन करवाया, तो निकालना है मुझे। कैसे निकालेंगे, मुझे काउंट करना है। क्या करना है, काउंट करना है, तो बराबर का निशान लगाना और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा काउंटा। काउंटा लिखने के बाद मैं मंडे से लेके सैटरडे तक पूरा सिलेक्ट कर लूँगा, भाई जहाँ तक हमारा डेटा हो रहा है उतना हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रेकेट को हम लोग क्या करेंगे, बंद करके इंटर कर देंगे। देखिए हम काम करवा रहे हैं 6 दिन, कितने दिन काम करवा रहे हैं, 6 दिन काम करवा रहे हैं। प्रेजेंट डे, अब मुझे इस लिस्ट में से, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो लिस्ट दी गई, इस लिस्ट में मुझे निकालना है कितना दिन ये प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला बहुत जगह काम आ सकता है। इक्वल टू काउंट इफ लिखेंगे और ब्रेकेट को स्टार्ट करेंगे और मंडे से सैटरडे तक हम लोग सेलेक्ट करके और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, डबल डॉट कॉमा लगाएंगे और मुझे प्रेजेंट डे निकालना है तो पी लिखेंगे, फिर डबल डॉट कॉमा बंद, ब्रेकेट बंद, इंटर कर देंगे। तो 5 दिन प्रेजेंट है ये। अब मैं एब्सेंट डे निकालूंगा, कितना दिन हमारे यहाँ ये एब्सेंट है, मतलब कितना दिन गायब हुए हैं। इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ सेम फार्मूला, वही फार्मूला, बस जहाँ पे आपने प्रेजेंट निकालते समय पी लिखा था वहाँ पे इसमें हम ए लिखेंगे, ठीक है ना। तो डेटा पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया मैंने, कॉमा लगाया, डबल इट कॉमा, फिर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ए, डबल इट कॉमा बंद किया, ब्रेकेट को बंद किया। एक एक फार्मूला मैं बोल के बता रहा हूँ भैया कि आप जो है आराम से इसको सीट आराम से देखिएगा, वीडियो को पूरी देखना तभी समझ में आएगा, छोटी थोड़ा सा वीडियो देखने पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के कंपनियों में, एम्प्लॉइज़ का डेटा रिकॉर्ड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लीव डे, अब मुझे यहाँ पे लीव निकालना है कि ये छुट्टी लिए हैं नहीं लिए हैं, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वही सेम फार्मूला, कौन सा, काउंट इफ। काउंट इफ लिखने के बाद मंडे से सैटरडे तक इसको पहले तो सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर डबल इट कॉमा के साथ हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे लीव, फिर डबल इट कॉमा, ब्रेकेट बंद। अब आराम से आ गया, भाई 0 दिन आएगा, क्यों 0 दिन आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लीव नहीं लिया है, ठीक है, तो छुट्टी तो लिया नहीं है। एब्सेंट का मतलब बिना बताए गायब हो गए, अगर छुट्टी लेते एप्लीकेशन लेके लेते हैं तो वहाँ पे लीव लिख के आता, क्या लिख के आता, लीव। तो जैसे कि नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, फ्राइडे पर डे सैलरी, सॉरी पर डे सैलरी हम लोग कितना दे रहे हैं, पर डे सैलरी मान लीजिए हमारे यहाँ जो दी जा रही है वो मान लीजिए 250 रुपये या 300 रुपये है, मान लीजिए 300 रुपये मैं एक दिन का दे रहा हूँ, लेकिन टोटल सैलरी कितनी बनेगी, क्या 6 दिन की देंगे, नहीं, हमारे यहाँ जितना दिन ये प्रेजेंट होगी उतने दिन की सैलरी हम लोग देंगे। तो प्रेजेंट कितने दिन है भाई, 5 दिन है ना, तो 5 दिन की सैलरी देंगे। तो मैं बराबर निशान लगाऊंगा और यहाँ पे 300 को गुणा करूँगा, 300 को क्या करूँगा, गुणे करूँगा किससे, कि जितना दिन हमारे यहाँ काम किए, 5 दिन, इंटर कर दूंगा, 1500 रुपये इनकी सैलरी होगी। तो शायद आप लोग को समझ में आया होगा, मैं एक और एंट्री ऐसे निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए सेकेंड नंबर पे हैं रोहित कुमार, अब ये भी मान लीजिए मंडे को प्रेजेंट हैं, ट्यूसडे को प्रेजेंट हैं, वेडनेसडे को इन्होंने एब्सेंटी कर ली, थर्सडे को इन्होंने प्रेजेंटी कर ली, फिर फ्राइडे को इन्होंने अप्लीकेशन दे के लीव लिया है सैटरडे तक, 2 दिन तक। अब आप टोटल वर्किंग डे कितना दिन करवा रहे हैं ना, ये निकालना होगा। तो मैंने क्या फार्मूला लगाया था दिमाग में आपके आ जाना चाहिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्किल टू काउंटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देख लीजिए फार्मूला क्या है, काउंटा है। मैंने ब्रेकेट को स्टार्ट किया है, आप पूरा यहाँ से मंडे से सैटरडे तक पूरा सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, फिर ब्रेकेट को हम लोग बंद करके इंटर कर देंगे, ऑटोमेटिक 6 दिन बता दिया। अब यहाँ पे प्रेजेंट कितना दिन प्रेजेंट है वो निकालना है, स्किल टू काउंट इफ, क्या मैंने लिखा, काउंट इफ लिखा। काउंट इफ लिखने के बाद हम लोग मंडे से लेके सैटरडे तक फिर से सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, और शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कीजिएगा, शिफ्ट के साथ राइट एरो लेफ्ट एरो जैसे प्रयोग कर रहे हो, कॉमा लगाइए, डबल डॉट कॉमा मैंने लगाया। अब यहाँ पे प्रेजेंट डे निकालने के लिए पी टाइप करेंगे, फिर डबल डॉट कॉमा बंद, ब्रेकेट बंद और मैं करता हूँ इंटर, ऑटोमेटिक देखिए आ गया, 3 दिन प्रेजेंट है। एब्सेंट डे मैं निकालता हूँ, इक्वल टू काउंट इफ मैंने लिखा, सेम प्रोसेसिंग है, मैं मंडे से क्या करूँगा, मंडे से सैटरडे तक सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, डबल डॉट कॉमा मैंने यहाँ पे ए लिखा, डबल डॉट कॉमा बंद किया, ब्रेकेट बंद किया, इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लीव डे निकालना है, तो लीव डे मैं कैसे निकालूंगा, इक्वल टू काउंट इफ ब्रेकेट स्टार्ट, फिर मैं क्या करूँगा,
मंडे से सैटरडे तक भैया पूरा सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा लगाना, डबल कॉमा, फिर यल टाइप करना, डबल कॉमा बंद, ब्रेकेट बंद, इंटर। दो दिन लीव लिए हैं, पर डे सैलरी मान लीजिए इनकी है 200 रुपये है, तो हमारा कितना पैसा बना इक्वल टू 200 रुपये। उसके बाद हम लोग गुड़े का निशान लगाएंगे और गुड़े कर लेंगे जितना दिन हमारे यहाँ प्रजेंट है, भैया 600 रुपये। मान लीजिए अगला एम्प्लॉई है, मैंने आगे बताया था, मान लीजिए हैं तीन नंबर वाले हैं रोहन, इनकी भी प्रजेंटी मान लीजिए लग गई है, ये 6 दिन काम किए हमारे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने एक ट्रिक बताया था कि आप दो निकाल लीजिएगा तो ऐसे आप पकड़ के खींच लीजिएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, आप ऐसे यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे एक बार में, ठीक है ना, तो उसके बाद उधर डेटा आप देते रहिए, ऑटोमेटिक निकलता हुआ चला जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया आप वहाँ करना जहाँ आप काम करने बैठना, अगर आप सीख रहे हैं तो जितनी बार फार्मूला लगाएंगे उतनी बार आपको वो चीज़ आएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक खींच लो, देखो ये ठीक है, आ गया डेटा आराम से। मान लीजिए अगला है, चार नंबर मान लीजिए हैं मोहित है, मान लीजिए मोहित, मोहित इन्होंने स्टार्टिंग किया परजेंट परजेंट, फिर इन्होंने बोला सर मुझे छुट्टी चाहिए। अब देखो ये 6 दिन काम किए हैं, 6 दिन तो मैंने काम ही करवाया, इसमें से 2 दिन ये परजेंट है, अब्सेंट 1 दिन नहीं है, लीव 4 दिन की लिया है, तो इनका 2 दिन का पैसा बनेगा ना 600 रुपये। कितना आसान है ना, आसान है नहीं आसान है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान लिखिए रखिएगा। 5 नंबर मान लीजिए हैं अंकित कुमार हैं, अंकित अंकित ये 6 दिन प्रजेंट हैं, ठीक ना, ये खटाखट इधर देखिए 6 दिन प्रजेंट हैं, 6 दिन अब प्रजेंट हैं, अब्सेंट 1 दिन नहीं है, लीव 0 लिया है, तो 300 रुपये, 1800 रुपये। तो ये समझ लीजिए आपका वर्कर सैलरी सीट है। ऐसे ही आप अपने वर्कर्स को सैलरी मैनेजमेंट बना सकते हैं और आपके यहाँ जो भी काम कर रहे हैं उनको आप ऐसे ही सीट पे डेटा रख सकते हैं। बाय द वे कोई दिक्कत होती है तो आपके एक्सेल में आप डिजिटल अकाउंटिंग कर रहे हैं और इसमें सेटअप है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में लाता हूँ आपके लिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा ट्रिक है। हम लोग फाइनेंस निकालते हैं, जैसे कि हमें फाइनेंशियल काम है, 2 लाख रुपये मान लीजिए किसी को दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग इसी के साथ, जय हिंद दोस्तों।